हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ इज हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में सबसे पहला के मतलब क्या है कि जहां पर हेलोजन ग्रुप अरीन को माने एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। सो जैसे आप देख सकते हो ब्रोमो बेंजीन में ब्रोमो इज अ हेलो ग्रुप जो कि एरोमेटिक रिंग बेंजीन को सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सो दिस इज हेलो अरीन। नाउ हाउ दे आर क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन में दे आर क्लासिफाइड एज अ मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव एंड ट्राई हेलो डेरिवेटिव। तो जैसे कि ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन, दिस इज सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन और 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जैसे हमने देखा है अल्काइल हलाइड, तो वैसे ही ये है अराइल हलाइड। तो दोनों में है तो हलाइड ही, लेकिन फिर भी दोनों के रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन एकदम ही अलग है। तो ऐसा क्यों है? द रीजन इज द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो दोनों सी एक्स बॉन्ड का नेचर एकदम ही अलग है। जैसे हम यहां पर बात करें तो हेलोजन जिस कार्बन को जुड़ा है वो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि अल्काइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन को जुड़ा होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो दिस बॉन्ड इज हैविंग अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, दैट इज पॉइंट नंबर वन। ऑल्सो ये जो लोन पेयर है वो रेसोनेंस में इन्वॉल्व है, माने लोन पेयर इज डीलोकलाइज, जिसके कारण ये बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड नहीं लेकिन डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर मिलता है, जबकि अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और ये इसके अंदर बॉन्ड सिंगल दिख रहा है लेकिन है इसमें डबल का करेक्टर। तो इस बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। तो जैसे अल्काइल हैलाइड के मेजॉरिटी रिएक्शन कौन से है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे अल्काइल हैलाइड में NSR होते हैं, वैसे हेलोअरीन में NSR आसानी से नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंस है दोनों के नेचर के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सो यहाँ पर सिंपली दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं। पहला मेथड है आपका हेलोजनेशन एंड सेकेंड मेथड है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सो पहले मेथड के अंदर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है टोलविन का। टोलविन यू नो वेरी वेल दैट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो क्लोरिनेशन कराने पर क्लोरो ऑर्थो पर भी जाएगा और पैरा पर भी जाएगा, और नेचुरली आप जानते हो मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, सो पैरा क्लोरो टोलविन विल बी द मेजर प्रोडक्ट हियर। कमिंग ऑन टू सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिलीन जो है इसका सबसे पहले हम कराएंगे डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन माने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड कंडीशन में नैनो टू HCl के साथ में इसे रिएक्ट कराया जाएगा, जिससे आपको मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप ट्रीट करेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड, पॉइंट टू बी नोटेड इट इज क्यूप्रस ब्रोमाइड, माने कॉपर वन सॉल्ट है ये, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। राइट, और यही सेम रिएक्शन आप कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में भी करा सकते हो। अगर कॉपर पाउडर लिया तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे गेटरमैन रिएक्शन, हालांकि गेटरमैन रिएक्शन में यील्ड इज पुअर एज कंपेयर टू सैंडमेयर, तो सैंडमेयर इज बेटर। नाउ जैसे हमने ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बना लिए सैंडमेयर रिएक्शन से, वैसे अब हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपके डायजोनियम सॉल्ट है इसको हम ट्रीट करेंगे हमने बॉम्फोडे चार, जिससे आपको मिलेगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, और इस फ्लोरोबोरेट को आप गर्म करोगे तो आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। पॉइंट टू बी नोटेड, होप यू रिमेंबर स्वॉट्स रिएक्शन। स्वॉट्स रिएक्शन से क्या बनते थे? अल्काइल फ्लोराइड, और यह है बाल्ज शीमैन रिएक्शन जिससे बनेगा अराइल फ्लोराइड। ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करोगे सो यू विल गेट आयोडोबेंजीन। ऑलराइट, सो आयोडोबेंजीन भी बना, फ्लोरोबेंजीन भी बना, क्लोरोबेंजीन भी बना और ब्रोमोबेंजीन भी बना। याद रहे बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनता है? तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन किससे बनता है? तो बाल्ज शीमैन रिएक्शन से। और आयोडोबेंजीन बनाने की इस मेथड का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। सो ये हो गए आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्शंस। ऑलराइट, सो रिएक्शन के अंदर मेनली यहां पर तीन कैटेगरी के रिएक्शन है, NSR, ESR एंड रिएक्शन विद मेटल। सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट NSR। तो जैसे कि आप जानते हो अभी अभी हमने डिस्कस करा कि अल्काइल हैलाइड जो है वो तो आसानी से NSR में चले जाते हैं, किंतु अराइल हैलाइड का आसानी से NSR में जाते नहीं है। अब सवाल आता है ARX do not undergo NSR easily, why? So the reason is sp2x bond which is shorter bond length and due to resonance it has a double bond character, and certainly because double bond character है तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की दो मेकानिज्म होती है SN1 और SN2। तो SN1 में आसानी से नहीं जा सकता बिकॉज SN1 के अंदर फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ कार्बोकटाइन, एंड यू नो वेरी वेल दैट फिनाइल कार्बोकटाइन इज लीस्ट स्टेबल।
और अगर हम बात करें SN2 के बारे में, तो SN2 में आप जानते हो बैक साइड अटैक करना पड़ता है, तो बेंजीन रिंग जो है वो ऑलरेडी हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में भी यहाँ पर दिक्कत होगी। तो इस तरह से अगर हम बेंजीन ARX की बात करें तो कुल मिला के इन कारणों की वजह से उसका NSR में जाना दिक्कत भरा होता है। हालांकि NSR अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन में कराओगे तो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो क्लोरोबेंजीन को हमने ट्रीट करा NaOH से 613 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव यू फिनॉल। तो ये आप इसे डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, इफ यू रिमेंबर फिनॉल चैप्टर। एंड यहाँ पर हम ट्रीट कर रहे हैं इसको कॉपर साइनाइड के साथ में, क्यू प्लस साइनाइड CuCN, अगेन इट्स अ यू नो रिएक्शन वेर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, बट दिस विल टेक प्लेस ओनली इफ यू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सेम वे यहाँ पर भी अमोनिया से ट्रीट करने पर H और Cl साइड में हो जाएगा और आपको मिलेगा एनिलीन, लेकिन अगेन ये रिएक्शन कैसे होगा, हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर। सो NSR यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। हालांकि एक कंडीशन है जहाँ पर हमने कहा था NSR क्लोरोबेंजीन में भी हम करा सकते हैं, लेकिन कैसे कराएंगे, सो बोला अगर इस ग्रुप को कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल जाता है, तो अगर क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल मेक द NSR पॉसिबल। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपको MCQ में सवाल आते हैं इस तरह से, चार आपको कंपाउंड दे दिए जाते हैं और ऑर्डर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से क्लोरोबेंजीन में NSR आसानी से होगा, तो सर्टनली जिसमें तीन तीन नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो वहां पर तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप है तो भी आसान तो है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना तीन नाइट्रो में होगा। यहाँ पर सिंगल नाइट्रो, यहाँ पर कोई भी नाइट्रो नहीं है, तो NSR के लिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, लेस लेस एंड देन लेस। राइट, सो ये थे आपके NSR रिएक्शन। NSR में खास याद रहे बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, ईज ऑफ NSR, तो याद रहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो NSR हो पाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से बेंजीन रिंग के पांच ESR, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, FC अल्काइलेशन, FC असाइलेशन। तो आपने यहाँ पर जानते हो कि क्लोरोबेंजीन जो है ये उस ग्रुप में बिलोंग करता है जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है लेकिन डीएक्टिवेटर है, तो क्लोरो की जो हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लस आर इफेक्ट है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी माइनस आर इफेक्ट है, जिसके कारण ये एक डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आ जाता है, डीएक्टिवेटर। ऑलराइट, सो इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट इट इज स्टिल डीएक्टिवेटर कैटेगरी। ऑलराइट, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन डीएक्टिवेटर। सो क्लोरिनेशन होगा तो क्लोरिनेशन पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा दोनों पे होगा, लेकिन पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेम वे नाइट्रेशन में आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना है और यहाँ पर NO2+ विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। होप यू रिमेंबर दिस वेल, यू कैन ऑल्सो रिफर द चार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड टू नो देम वेरी वेल। ओके, तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। देन ये सल्फोनेशन में पैरा पोजिशन पे सल्फोनिल ग्रुप आया। देन दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, सॉरी अल्काइलेशन, एंड यहाँ पर आपका पैरा पोजिशन पे अल्काइल ग्रुप आया। एंड ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, जहाँ पर पैरा पोजिशन पे असाइल ग्रुप आया। ओके, सो दिस इज वॉट वी आर डिस्कसिंग, एराइल हैलाइड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इज मच ग्रेटर देन द प्लस आर इफेक्ट। ऑलराइट, एंड नाउ वी कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। सो अगर आपने अराइल हलाइड और अल्काइल हलाइड लिया है, एंड इफ यू ट्रीट विद द सोडियम सॉल्ट, सो ये आपका NaBr बाहर आ जाएगा, एंड वॉट यू विल गेट इज अ टोलविन। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। इफ आप सिर्फ अल्काइल हलाइड में ही रिएक्शन कराते हो, सो द रिएक्शन इज रेफर्ड एज अ वुड्स रिएक्शन, लेकिन अगर आप अराइल हलाइड लोगे तो इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। एंड इफ यू टेक ओनली अराइल हलाइड, मतलब अगर आपने दोनों के दोनों जो है वो ब्रोमोबेंजीन ले लिए हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डाई फिनाइल, जिसे आप बिस फिनाइल भी कहते हैं। सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। सो रिमेंबर ऑल द थ्री रिएक्शन वेल, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सिर्फ अल्काइल हलाइड लिया तो वुड्स रिएक्शन, सिर्फ अराइल हलाइड लिया तो फिटिग रिएक्शन, लेकिन अगर आपने अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड दोनों लिया है, देन इट इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके हेलो अरेंज के रिएक्शंस।